विभाव पर आज बात करते हैं। स्थाई भावों के बारे में हमने बात की थी कि वे भाव जो मूल रूप से सहृदय में हमेशा के लिए रहते हैं उन्हें स्थाई भाव कहते हैं, लेकिन जो विभाव है वो क्या करता है, सामान्य रूप से हमारी जो चित्तवृत्तियां है या जो स्थाई भाव है उसको उद्बुद्ध करता है, उसको प्रकट करने का कारण बनता है, निमित्त बनता है, निमित्त या कारण बनता है, इसीलिए इन्हें हेतु निमित्त या कारण भी कहा जाता है। यानी सामान्य चित्तवृत्ति जो है उसको उद्बुद्ध करने वाले कारणों को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। सामान्य अर्थ क्या है, कारण हेतु निमित्त, कारण हेतु या निमित्त। विभाव का सामान्य अर्थ है कारण हेतु या निमित्त। तो सामान्य चित्त वृत्तियों को उद्भूत करने के कारण रूप विषय, सामान्य चित्त वृत्तियों को उद्भूत करने के एक कारण रूप विषय को हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। पारिभाषिक दृष्टि से ये होगा, बाकी अर्थ क्या है, कारण हेतु या विभाव। सहृदय चित्त में स्थित वासना रूपी संस्कारों को, संस्कारों किसे कहेंगे, स्थाई भावों या चित्त वृत्तियों, स्थाई भावों, विचारों को उद्भुत करने वाले विषय, उद्भुत यानी उद्भुत यानी प्रकट करने वाले, प्रकट करने वाले या उद्भुत यानी प्रकट, प्रकट करने वाले विषय क्या कहलाते हैं, वाले विषय, या इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, कारण कह सकते हैं, विषय या कारण विभाव कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। सहृदय के चित्त में स्थित वासना रूपी संस्कारों को उद्भूत करने वाले विषय या कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव जो है उसको कारण हेतु या निमित्त कहा जाता है, कारण हेतु या निमित्त। यानी स्थाई भाव जो संस्कार रूप में हमारे अंदर हमेशा रहते हैं उनको अनुकूल परिस्थिति पाकर ऐसे कारण जो रस रूप में परिणत कर देते हैं उन्हीं कारणों को विभाव कहा जाता है। लेकिन ये कारण संस्कृत के काव्य शास्त्री मानते हैं विश्वनाथ वगैरह कि ये जो रस के कारण है ये लौकिक न होकर के अलौकिक है। संस्कृत आचार्यों के अनुसार विभाव लौकिक न होकर, लौकिक न होकर अलौकिक होते हैं। कैसे होते हैं, अलौकिक होते हैं, लौकिक न होकर अलौकिक होते हैं या उद्दात होते हैं, ये भी परिष्कृत होते हैं। ऐसे कारण जो लोक से थोड़े परे होते हैं उनसे ही, उन कारणों से ही स्थाई भाव उद्भूत होगा और रस रूप में परिणत होगा। भरत मुनि अपने सूत्र में विभाव का अर्थ क्या बताते हैं, विज्ञान या विशेष ज्ञान, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भरत मुनि अपने रस सूत्र में, रस सूत्र में विभाव का अर्थ क्या मानते हैं, विभाव का अर्थ विशेष ज्ञान, किसको मानते हैं, विशेष या विशिष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान,
विभाव का अर्थ किसे मानते हैं? विशेष ज्ञान या विज्ञान को मानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज, विशेष ज्ञान या विज्ञान को मानते हैं, यानी ऐसा एक विशेष ज्ञान होता है जिसके द्वारा जो फूल वगैरह सामग्री है उसको देख करके सहृदय में रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो विभावों को विशेष ज्ञान या विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन है? भरत मुनि। अब विभाव वस्तुतः करते क्या है? ज्ञापन करते हैं, ज्ञापन करते हैं अर्थात प्रकट करते हैं। किसको? स्थाई भाव को बाहर लाने का काम करते हैं, व्यभिचारी भावों को भी संचरित करने का काम करते हैं। ज्ञापन करने वाले हेतु क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। कई बार ऐसे पूछ लिया जाए कि ज्ञापन करने वाले हेतु विभाव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। ज्ञापन करने वाले हेतु विभाव कहलाते हैं। ज्ञापन करने वाले अर्थात जो स्थायी भाव है उसका प्रकटीकरण करने वाले, उसको प्रकट करने वाले भाव जो है वो, और उसके साथ साथ संचारी भावों को, संचारी भाव जो आते जाते रहते हैं उनको भी, और वाचिक आंगिक सात्विक अनुभवों को भी अभिनय के माध्यम से ज्ञापित करने का काम कौन करते हैं? विभाव करते हैं। विभाव स्थायी भाव, संचारी भाव व अनुभाव में जो वाचिक सात्विक इत्यादि भाव आते हैं, इत्यादि भावों का ज्ञापन करते हैं। ज्ञापन यानी प्रकटीकरण करते हैं, अभिनय के माध्यम से उन्हें स्थापित करते हैं का ज्ञापन या अभिनय से स्थापन, अभिनय से स्थापन करते हैं। इसीलिए तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यही प्रक्रिया विभवन व्यापार कहलाती है। विभवन व्यापार, विभवन यानी अभिनय के माध्यम से बाकी सब भावों को स्थापित करना, अभिनय के माध्यम से, नाट्य की दृष्टि से और काव्य की दृष्टि से करें तो वे कारण जिनके द्वारा बाकी सारे के सारे भाव है वो रस रूप में परिणत हो जाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभाव, विभावन कहलाती है। क्या कहलाती है? विभावन। और जो नाट्य है उसमें वस्तु के अनेकार्थ अर्थ होते हैं, अनेकार्थ अर्थ अभिनय पर आधारित होते हैं। किस प्रकार से अभिनय किया जाता है उसी प्रकार, उस अभिनय से ही जो दर्शक है वो अर्थ ग्रहण करेगा। तो वहां पर अभिनय से अर्थ ग्रहण होता है, उसकी अर्थ की प्रतीति होती है। उस अर्थ की प्रतीति कराने का काम कौन करते हैं? विभाव करते हैं। वस्तु के अनेकार्थ अर्थ अभिनय पर आधारित होते हैं। वस्तु के, वस्तु, वस्तु या सामग्री, फूल वगैरह जिनके आधार पर रस की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वस्तु के अनेकार्थ अर्थ अभिनय द्वारा, अभिनय द्वारा प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं।
वस्तु के अनेकार्थ अर्थ अभिनय के द्वारा प्रकट होते हैं या अभिनय पर आश्रित होते हैं, और इस अभिनय पर आश्रित होते हैं तो इन्हें प्रतीति या अर्थ के रूप में लाने का जो काम करते हैं उसी को विभाव कहते हैं। अभिनय द्वारा प्रकट होते हैं और यही अर्थ की प्रतीति किसे कहेंगे, प्रकटीकरण, अर्थ प्रकट हो जाना, अर्थ की प्रतीति या प्रकटीकरण की प्रक्रिया करने वाले कारण विभाव होते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभावन प्रक्रिया कहते हैं। करने वाले कारण विभाव है, और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विभावन व्यापार कहलाती है, विभावन व्यापार कहलाती है। तो सीधे शब्दों में अगर हम बात करें कि भाई विभावन व्यापार क्या है, तो क्या होगा कि वस्तु के अनेकार्थ अर्थ जो है उनका प्रकटीकरण या प्रतीति जिसके माध्यम से होती है, माध्यम कारण, तो यहाँ पर हम विभाव का एक अर्थ माध्यम भी ले सकते हैं। विभाव माध्यम होते हैं, विभाव बराबर माध्यम, विभाव माध्यम होते हैं जो कि स्थाई भाव को रस रूप में परिणत करते हैं, और जो रस रूप में परिणत करने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, प्रक्रिया को ही विभावन व्यापार कहते हैं। अब है विभाव, विभाव के भेद, विभाव दो प्रकार के माने जाते हैं, विभाव के प्रकार या भेद। विभाव के भेद कितने हैं, दो। पहला है कौन सा, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, और दूसरा है आलंबन विभाव, और दूसरा उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, सबसे पहले बात करते हैं कि आलंबन विभाव क्या है। आलंबन विभाव जो है, आलंबन विभाव क्या होते हैं, आलंबन के पुनः दो भेद किए जाते हैं। उन भेदों पर बात करके और फिर उन दोनों के इकट्ठे रूप में जो प्रक्रिया होगी उसको आलंबन विभाव कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आलंबन विभाव जो है उसके दो भेद है पुनः। पहला भेद है आलंबन, या जिसे विषय कहते हैं आलंबन, यहां पर संदेह नहीं होना चाहिए। ये इस प्रकार से है कि आलंबन विभाव तो क्या होता है, पहले इसकी थोड़ी परिभाषा कर ही लेते हैं कि आलंबन विभाव क्या है, आश्रय व विषय आलंबन, विषय या आलंबन, विषय या आलंबन के मिश्रित रूप को आलंबन विभाव कहते हैं। यानी रस रूप की जो परिणति होती है, स्थाई भाव से रस रूप में जो परिणति होती है, उस परिणति के माध्यम ये दोनों होते हैं। कौन कौन, आश्रय और विषय। आश्रय के मन में तो रस की प्रक्रिया चलेगी पूरी की पूरी, और आलंबन जो होगा वो क्या करेगा, उसका सहारा बनेगा। तो ये दोनों मिश्रित रूप में एक साथ क्या कहलाते हैं, आलंबन विभाव कहलाते हैं। आश्रय वो विषय या आलंबन, विषय या आलंबन, या फिर इसको कोष्ठक में कर लें कि आलंबन यहाँ पर किसको कहा गया है, विषय को। आश्रय व विषय के मिश्रित रूप को आलंबन विभाव कहते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं।
अब हम बात करते हैं कि आश्रय और विषय जो है, या आश्रय या जिसे हम आलंबन कहते हैं विषय को ही, उसके बारे में बात करते हैं। तो आलंबन, आलंबन क्या होता है? आलंबन या विषय, अब आलंबन या विषय तो एक ऐसा सहारा जिसके या जिसको देखकर आश्रय के मन में रस, स्थाई भाव रस रूप में बदल जाए, जिसको देखकर या जिसके प्रति, जिसके प्रति आश्रय के मन में स्थित स्थाई भाव भाव जागृत हो जाए, जो सुप्त अवस्था में, स्थाई भाव किस अवस्था में रहते हैं? सुप्त अवस्था में, जिसके प्रति यानी जिसे देखकर आश्रय के मन में स्थित स्थाई भाव जागृत होने लगे, जागृत होने लगे, उन्हें आलंबन या विषय कहा जाता है, आलंबन या विषय कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझेंगे कि कौन किसका आलंबन है, किस प्रकार से है। और दूसरा क्या है? आश्रय। अब आश्रय क्या होता है? जिसके मन में स्थाई भाव जो है वो जागृत हो रहा है, यानी आलंबन को देखकर जिसके मन में स्थाई भाव जो है वो रस रूप में परिणत होता है, जिसमें किसी के प्रति भाव जागृत होते हैं किसी दूसरे के प्रति। आश्रय क्या है? जिसमें ये है, जिसमें और उसमें जिसके प्रति यानी जिसके सहारे, ये क्या है? सहारा है, इसको आप कह सकते हो सहारा, सहारे, जिसके सहारे सारे भाव आगे बढ़ रहा है। आश्रय जिसके अंदर ये भाव जागृत हो रहा है, जिसमें किसी को देखकर, जिसमें किसी को देखकर स्थाई भाव जागृत होकर रस रूप की ओर बढ़ने लगे, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम क्या? आश्रय। आश्रय कहलाता है। तो आश्रय सहृदय भी हो सकता है, और जिसके मन में भाव जागृत होता है, जैसे उदाहरण बात कर रहे हैं राम और सीता की। लेकिन इन्हें आलंबन विभाव कब कहा जाता है? जब ये दोनों एक साथ होते हैं और सहृदय के मन में भाव उत्पन्न करते हैं, तब ये आलंबन विभाव संयुक्त रूप से कहलाते हैं। आलंबन विभाव ये दोनों मिलकर या संयुक्त रूप से कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों के मिश्रण होने के बाद ही आश्रय के, नहीं, सहृदय के मन में रस है वो उत्पन्न होगा, अर्थात रस अस्थाई भाव रस रूप में परिणत होगा, आश्रय कहलाता है। अब हम उदाहरण पर बात करते हैं। इसका उदाहरण है सीता जी जब राम जी को पुष्प वाटिका में देखती है, तब किस प्रकार के उनके मन में भाव आते हैं। सीता जी राम जी को देखती है तब वो स्तंभित सी रह जाती है, कंकन के नग की परछाई, नग की परछाई, ओ सॉरी, राम को रूप निहारती जानकी, राम को रूप निहारती, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, कंकन के नग की परछाई, यानी यहां पर वृड़ा भाव है, क्योंकि वो नीचे देख रही है,
व्रीड़ा भाव है। संचारी भाव कौन सा है? व्रीड़ा, क्योंकि वो लज्जा के कारण नीचे देख रही है, राम को नहीं देख रही है। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याति सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पलटारती नहीं। याति सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पलटारती नहीं, पलटारती नहीं, पलटारती नहीं। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याति सबे सुधि भूली गई, कर टेकी रही पलटारती नहीं। इस पद में सीता जी क्या है, सीता जी के मन में ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो क्या होता है, वो होता है असुर, और जिसके प्रति भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, आलंबन। तो यहाँ पर राम तो आलंबन है और सीता जी असुर है, ठीक है। असुर सीता क्यों है, क्योंकि राम को रूप निहारती जानकी, जानकी जी राम का रूप निहार रहेंगे, जानकी जी है वो राम का रूप निहार रही है, किसमें, कंकन के नग की परछाई। तो आगे हम संचारी भावों पर बात करेंगे, तब एक भाव आएगा विरिड़ा। विरिड़ा कब होती है, जब किसी पुरुष को देखने पर किसी स्त्री को लज्जा का भाव आता है। तो यहाँ पर कंकन के नग में देख रही है, क्योंकि सीता जी को राम जी से लज्जा आ रही है। फिर याति सबे सुधि भूली गई, कर टेकी रही पलटारती नहीं। यहाँ स्तंभ नामक सात्विक भाव है, क्योंकि सीता जी अपने आप को एक तरीके से भूल सी गई है, स्तंभित हो गई है, स्तंभ की तरह हो गई है, जब उन्होंने राम का वो रूप देखा। तो यहाँ पर सात्विक भाव स्तंभ भी आ रहा है, और असरे कौन है, किसके मन में ये भाव आ रहे हैं, सीता जी के। तो असरे कौन हुए, सीता जी, और आलंबन कौन या विषय कौन, जिसके लिए भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आलंबन या विषय कौन है, राम। आलंबन या विषय यहाँ पर राम है। आगे जो जो भाव जैसे जैसे आएंगे उन भावों पर और बात करते जाएंगे, जैसे इसमें राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याति सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारती नहीं। इस पंक्ति में, इस पंक्ति में पुष्प वाटिका का चित्रण हो रहा है, तो पुष्प वाटिका का वो माहौल है वो यहाँ पर उद्दीपन होगा, उसके साथ ही साथ और राम का रूप जो है, बाह्य सौंदर्य जो है वो भी उद्दीपन होगा। उद्दीपन पर हम भी बात करेंगे, तो उद्दीपन की बात आ जाएगी। तो ये यहाँ पर हमने आलंबन विभाव के बारे में देखा, विभाव के दो प्रकार है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, और आश्रय व विषय दोनों मिलकर आलंबन विभाव कहलाते हैं, और विषय का ही दूसरा नाम आलंबन है। तो आलंबन विभाव शब्द आए तो उसमें आश्रय व आलंबन दोनों शामिल है, लेकिन अकेला आलंबन लिखा हुआ है तो वो सहारा है। कंकन नग वाले पद में अगर बात करें तो राम है, कौन है, राम, और सीता जी क्या है, असरे, और आलंबन विभाव कौन है, अगर आलंबन विभाव कहे जाए तो ये दोनों होंगे, राम और सीता दोनों होंगे, तभी तो दोनों की बात चलेगी, तभी तो सहृदय के मन में रस बनेगा, स्थाई भाव है वो रस रूप में परिणत होगा। तो यहां पर अब हम बात कर लेते हैं उद्दीपन विभाव की, तो इस उद्दीपन विभाव इसमें उदाहरण में ही पहले देख लेते हैं, फिर इसको परिभाषित कर लेते हैं। यह है राम को रूप निहारती जानकी। अब आलंबन कौन थे, राम थे, और आश्रय कौन थी, सीता जी थी। तो लेकिन जो राम की चेष्टा है, उनका रूप है, बाह्य शारीरिक रूप है, वो क्या है, उद्दीपन है।
राम का रूप इतना सुंदर है कि उनको देखकर के सीता जी स्तंभित हो जाती है। तो उद्दीपन यहाँ क्या है, राम का रूप सौंदर्य, राम का रूप सौंदर्य क्या है, उद्दीपन। राम खुद क्या है, ध्यान रखना है, राम खुद तो है आलंबन, लेकिन राम का बाह्य रूप जो है वो क्या होगा, उद्दीपन होगा। राम का रूप सौंदर्य उद्दीपन। अब हम उद्दीपन की परिभाषा पर बात कर लेते हैं। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव जो है उद्दीपन विभाव क्या होता है, स्थाई भाव को, स्थाई भावों को उद्दीप्त कर उसको आस्वाद योग्य बनाने में सहयोग करने वाले भाव क्या कहलाते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। यानी स्थाई भाव जो है उसको आस्वाद रूप में ग्रहण करने वाले कारण तो कौन होंगे, विभाव होंगे। अब विभावों का भी पुनः भेद है उद्दीपन विभाव, पहले आए आलंबन विभाव। तो आलंबन विभाव तो आश्रय आलंबन दोनों मूल कारण है और उद्दीपन उसका सहायक कारण है। तो स्थाई भावों को उद्दीप्त करने वाले, स्थाई भावों को उद्दीप्त करने वाले सहायक भाव उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, उद्दीपन विभाव है। यहां पर राम का रूप उद्दीपन है और राम खुद क्या है, आलंबन, और आश्रय और आलंबन, सीता और राम मिलकर क्या है, आलंबन विभाव। यहां पर एक साइड में लिख लेते हैं, राम सीता दोनों मिलकर आलंबन विभाव होंगे और आलंबन अकेला पूछा जाए कि इसमें आलंबन क्या है तो राम है, लेकिन आलंबन विभाव पूछा जा रहा है तो सीता और राम दोनों की चेष्टा है। सीता का स्तंभित होना, तो स्तंभित हो रही है वो तो बाद में हो रही है, अनुभव में चला जाएगा, लेकिन सीता खुद क्या है, यहाँ पर आश्रय है। तो आश्रय किसका भेद है, आलंबन विभाव का भेद है। तो यहाँ पर सीता और राम दोनों मिलकर आलंबन विभाव है और पूछा जाए कि आश्रय क्या है तो सीता, और आलंबन या विषय क्या है तो राम, और उद्दीपन क्या है, स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाले सहायक भाव उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। इसमें दो चेष्टाएं आती है, एक तो आलंबन की चेष्टाएं और दूसरा प्राकृतिक वातावरण या देश काल। तो उद्दीपन में, उद्दीपन में दो प्रकार की चेष्टाएं आती है। एक पहली बात क्या आएगी, जो आलंबन है राम आदि, यहाँ पर उपयुक्त दोहे में, उपयुक्त पद में राम क्या थे, आलंबन थे। तो आलंबन की बाह्य चेष्टाएं, बाह्य चेष्टाएं क्या कहलाएगी, बाह्य चेष्टाएं, बाह्य आंतरिक भी चेष्टाएं जो भी है, खुद तो वो क्या है, आलंबन है। उसकी बाह्य आंतरिक दोनों चेष्टाएं, भले बाह्य आंतरिक ना लिख करके सीधा हम चेष्टाएं लिख सकते हैं, चेष्टाएं, जो भी चेष्टाएं हो रही है वो किसमें आएगी, आलंबन की चेष्टाएं किसमें आएगी, उद्दीपन। आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन में आएगी। आलंबन खुद अलग है, राम खुद क्या है, ध्यान देना, आलंबन, लेकिन राम की चेष्टाएं उनका रूप क्या है, उद्दीपन। चेष्टाएं व सौंदर्य है प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण
अगर युद्ध के विषय में बात करें तो दुदुम्बी बजना करना वो सब उसमें आएगा। प्राकृतिक वातावरण, देश काल, ये सब किसमें आते हैं? उद्दीपन में। उद्दीपन में दो प्रकार की, एक तो आलंबन की चेष्टाएं आएगी, राम की चेष्टाएं या राम राम का रूप सौंदर्य। राम खुद तो आलंबन है, लेकिन राम का बाह्य शारीरिक सौंदर्य जो है वो क्या है? उद्दीपन है। सीता जी के रति भाव को श्रृंगार रूप रस रूप में परिणत करने में वो रूप सहयोगी हो रहा है, सहयोग कर रहा है उस भावना को बढ़ाने में, इसलिए वो क्या है? उद्दीपन है। अब रसानुभूति की अवस्था जो है उसमें आलंबन, उद्दीपन, अनुभव, संचारी भाव, ये सब खंडशः नहीं आते, एक साथ मिलकर आते हैं और रस रूप में स्थायी भाव को परिणत कर जाते हैं। हमने पहले ही बात कर ली थी कि ये एक साथ ही आते हैं, ये खंडशः नहीं आते, और एक साथ आकर के स्थायी भाव को किसमें बदल देते हैं? रस में बदल देते हैं। आलंबन, विभाव, उद्दीपन, विभाव, संचारी भाव, आगे हम अनुभावों पर बात करेंगे, लेकिन अभी हमने देखा था संचारी भाव, सीता जी का स्तंभित होना, तो वो साथ ही स्तंभित हो रही है। अनुभाव, संचारी भाव, ये सब खंड से अलग अलग थोड़ी आएंगे कि पहले भाई विभाव हो रहा है, फिर विभाव का भी भेद है, आलंबन अलग से हो रहा है, ऐसे नहीं, एक साथ ही अखंड प्रक्रिया रहती है। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, संचारी भाव इत्यादि खंड सह न आकर अखंड रूप से, अखंड रूप में आते हैं, तभी स्थाई भाव रस रूप में परिणत हो जाता है। स्थाई भाव रस रूप में परिणत हो जाता है। प्रश्नोत्तरी, सबसे पहले है, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। उपर्युक्त दोहे में किसका वर्णन है? बिहारी का ये दोहा है जिसमें नायिका की श्रृंगार रस की परिणति के बाद की चेष्टाएं अर्थात अनुभाव का वर्णन है। इसमें कहीं पर भी विभाव या फिर संचारी भाव वगैरह का वर्णन नहीं है, केवल और केवल अनुभवों का। अनुभव स्थाई भाव के बाद की स्थिति होते हैं, केवल अनुभवों का ही इसमें वर्णन है, लेकिन श्रृंगार रस का यहाँ परिपाक पूर्ण रूप से होता है। अर्थात अखंड रूप से अगर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादि में से एक भी आ जाए तो भी रस की परिणति हो सकती है, इस पंक्ति का ये अर्थ निकलता है। बिहारी कहते हैं, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन हिसो बात। नायक और नायिका किस प्रकार कहते हैं, नटते हैं, रीझते हैं, खींचते हैं, आपस में बात कर लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, तो ये स्थाई भाव के रस रूप में परिणत होने की प्रक्रिया के अनुभव है, बाद की प्रक्रिया है। अनुभाव स्थाई भाव के पीछे पीछे चलते हैं, अनुभवों का अर्थ ही पीछे चलना, अर्थात स्थाई भाव जब रस रूप में परिणत होता है तब जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। तो ये अनुभवों का बड़ा ही सुंदर वर्णन है और महत्वपूर्ण है।
सबसे बड़ी बात है, कई परीक्षाओं में आ चुका है कि ये क्या है, कैसे है, इसमें अनुभवों का ही वर्णन है, कोई दूसरा विभाव, उद्दीपन विभाव वगैरह कुछ भी नहीं है, अनुभवों का वर्णन है, ना यहाँ पर कोई संचारी भाव है, केवल अनुभवों का वर्णन। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लज्यात, इसमें किसका वर्णन है? अनुभवों का। कंत बिन वासर वसंत लागे अ अंतक से, तीर ऐसे त्रिविध समीर लागे लहकन। देव की प्रस्तुत पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है? वियोग का वर्णन कर रहे हैं देव, और उद्दीपन विभाव का, किसका वर्णन है? उद्दीपन विभाव का, जिसमें प्रकृति है वो भी नायिका के वियोग से जलने लगी। प्रकृति का भी रीतिकाल है, देव की पंक्तियां हैं, तो इसमें प्रकृति को भी नायिका के वियोग में जलता हुआ दिखाया गया, वियोग में। और इसमें मन की दशाओं का, मन की दशाएं कितनी मानी गई है? 10 मन की दशाएं मानी गई, 10 दशाएं मानी गई है। वियोग में रूढ़ी की तरह दशाओं का वर्णन होता है, और 10 दशाएं कौन कौन सी होती है? अभिलाषा, चिंता, गुण कथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। ये 10 दशाएं हैं, इनका वर्णन वियोग श्रृंगार का वर्णन करते समय रूढ़ी के रूप में किया जाता है। अभिलाषा है, चिंता है, गुण कथन है, गुण कथन यानी किसी की प्रशंसा करना, स्मृति यानी याद, उद्वेग यानी आवेग आना, प्रलाप यानी रोना, और उन्माद जोर से हंसना या पागलपन की हरकतें करना, व्याधि यानी पीड़ा, जड़ता यानी बिल्कुल जड़ हो जाना या बेहोश हो जाना, मरण यानी मरने जैसी स्थिति। ये 10 दशाएं मानी गई है, और इन 10 दशाओं का वर्णन वियोग में रूढ़ी की तरह होता है, जो यहाँ पर देव भी करते हैं। तीर ऐसे त्रिविध समीर लागे लहकन, इस पूरे पद में आगे 10 दशाओं का वर्णन देव ने किया था, और प्रकृति को यहाँ पर इस नायिका के साथ साथ दुखी होते दिखाया है। तीर ऐसे यानी समीर, जो धीरे धीरे बहने वाली हवा है, वो सभी को शरीर पर अच्छी लगती है, लेकिन नायिका यहाँ पर, देव की जो नायिका है, वो वियोग के कारण दुखी है, तो उसे वो समीर भी कैसी लगती है? अग्नि के जैसी लगती है। तो यहाँ पर केवल और केवल उद्दीपन विभाव का वर्णन है। अगला है, आधुनिक मनोविज्ञान में जिन्हें मनहा संवेग कहते हैं, उन्हें काव्य शास्त्र में क्या कहा जाता है? स्थाई भाव कहा जाता है। मनहा संवेग, मैकडूगल ने 14 मनोवृत्तियां बताई थी, मूल प्रवृत्तियां बताई थी, और उन 14 में से भारतीय काव्य शास्त्र में 7 जो उनकी मनोवृत्तियां हैं, वो 7 स्थाई भाव के समान है, बाकी 7 मनोवेग उनके अलग है। तो मनः संवेग है वो हमारे यहाँ पर स्थाई भाव के रूप में जाने जाते हैं। परिवेश व आलंबन की चेष्टाएं, परिवेश और परिवेश भी और साथ ही साथ आलंबन जो है, आश्रय के मन में जिसे देख करके ये स्थाई भाव रस रूप में परिणत होता है, उस आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहा जाता है। यत्नज अनुभाव कौन से हैं? यत्नज यानी यत्न, प्रयत्न के साथ, ऐसे अनुभाव जो प्रयत्न करके आते हैं, यानी जैसे कायिक यानी शरीर, शारीरिक कोई भी, जैसे भौंहें टेढ़ी करना, इस प्रकार से कुछ भी शरीर बनाना, इस प्रकार अकड़ना करना, ये सब कायिक शारीरिक है, तो वो क्या करना पड़ेगा? जो भी आश्रय है उसे प्रयास करके वो बनाना पड़ेगा। और वाचिक यानी वाणी के माध्यम से प्रकट करना, तो वाणी भी किसी ने बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, उस प्रकार से, तो वहां पर बतरस के लिए वो गोपियां उस प्रकार की हरकतें करती है। आहार्य में वेशभूषा बनानी पड़ती है, आहार्य में श्री कृष्ण का जैसे वर्णन मिलता है, कंजमाल वगैरह, वो तो उसमें भी वेशभूषा जो है वो बनानी पड़ती है, आश्रय में वेशभूषा बनानी पड़ती है, तब जा करके वो क्या कहलाता है? कायिक, वाचिक और आहार्य अनुभाव कहलाता है। और ये यत्नज होते हैं क्योंकि प्रयत्न के साथ बनाने पड़ते हैं। और सात्विक अनुभाव जो है वो अपने आप ही अचानक ही हो जाते हैं, जैसे
शेर अचानक आ गया तो डर लगेगा, तो अचानक से अपने आप स्तंभ की तरह हो जाएंगे या गिर पड़ेंगे, कुछ भी हो सकता है, तो वो अपने आप होगा, प्रयत्न करके करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर है संगत कौन सा है, सात्विक भावों में संगत कौन सा है, स्तंभ। स्तंभ में शरीर की चेष्टा रुक जाती है, जड़वत हो जाता है शरीर। स्तंभ में क्या होता है, याति सबे सुधि भूली गई कर टेक रही पलटारती नहीं, इस प्रकार सीता जी की स्थिति होती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो वैसी स्थिति को स्तंभ, शरीर की चेष्टा का रुक जाना या जड़ के समान हो जाना स्तंभ कहलाता है। और स्वेद यानी पसीना छूटना, कोई भी श्रम परिश्रम वगैरह करने का भाव हो या कहीं पर डर लगे तो भी पसीना आ सकता है, तो पसीना आता है तो स्वेद नामक सात्विक भाव अपने आप आता है। रोमांच यानी रोंगटे खड़े होना, रोए खड़े हो जाना या फिर पुलकित हो जाना, बहुत अधिक खुश हो जाना। फिर है वे पथु यानी कंप। वे पथु का दूसरा नाम क्या है, कंप, यानी शरीर का कंपाना, शरीर का कंपाने लगना, और सभी संगत है, बिल्कुल सही बात है।